देखो चिंटू बेटा, इसमें लिखा है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी पीने से ना पेट अंदर रहता है। नहीं, मंगाऊं एक गिलास गर्म पानी? वो इसमें लिखा है ना, वो बता रहा हूं मैं। नानी जी की जय हो। अरे ये क्या, ये भाग्यश्री की बनी हुई है सब? आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास दिन है। आप सब प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक ठाक हो जाए। अरे नानी जी, अच्छा क्या, बहुत अच्छा होगा। आपकी चेहरे की खुशी बता रही है, शक्तिशाली खानदान में जैसे कोई त्योहार है आज। बेटा ये कोई त्योहार से कम नहीं है। रक्तदान से बड़ा दान और क्या हो सकता है। हमने मथुरा में एक एनजीओ के साथ मिलकर एक दिन के लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि लॉली, सुंदरी और डॉली इसमें संपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये तो हमारा फर्ज है मैया। हाँ, बस एक मलाल है कि पन्ना और हम ढलती हुई उम्र के कारण रक्तदान नहीं कर पाएंगे। पर चलिए, हमारा पूरा परिवार तो करेगा। बड़े लाल, समझ गया मालती, ये शुभ काम सबसे पहले हम करके आएंगे। मुझे भी खून देना होगा क्या? अजब गजब घर जमाई। अरे चिंटू जी, आप अभी भी यही हैं? पता है हजारों लोग आने वाले हैं उस कैंप में, और हमें लगता है कि आपको भी सही वक्त पर ना ब्लड डोनेट करने चले जाना चाहिए, है ना? हम और दीदी तो बस निकल ही रहे। एक काम कीजिए, आप भी देर मत कीजिए, आप भी चलिए हमारे साथ ही चलिए। डॉली जी, क्या क्या कर रही हो आप? ये देखो ना, दुकान का कितना काम है, मुझे बहुत जरूरी काम है, ये काम करना भी तो बहुत जरूरी है। अब बहुत लंबे चौड़े हिसाब किताब है, अगर नहीं किया ना तो फिर कुछ गलत वलत हो गया ना नानी जी को बहुत बुरा लगेगा, आप खुद ही सोच के देख लो। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन हाँ चिंटू जी, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप शाम तक कैंप जरूर पहुंचेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस की क्या बात है इसमें, आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा वहां पे। अरे चिंटू जी, आपकी तो हर बात पे हमको भरोसा है। फिलहाल हम लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, नानी जी वेट करिए, लेकिन आप जरूर आइएगा। हाँ पक्का? हाँ विश लक, आप कम देना खून अपना, एक आधी वो जूस ज्यादा पी लेना, ग्लास पतली पड़ी हो आप। डॉली जी, आपको तो भरोसा है अपने चिंटू पे, लेकिन आज इस काम को करने के लिए ना चिंटू को खुद पे भरोसा नहीं है। हे भगवान, लाज रख लो, बस आज कुछ ऐसा कर दो कि दिन गुजर जाए और मैं उस कैंप की शक्ल ना देखूं। अरे चिंटू बेटा, अरे उधर कहाँ हो, इधर आओ, देखो क्या मैच चल रहा है इधर। अरे आओ। ये टीवी ने ना पूरा घर बर्बाद कर रखा है हमारा। डॉली जी सीरियल में लगी रहती है और ये मैच में सारा दिन। कुछ कहा क्या? नहीं नाना जी, मैं तो ये कह रहा था, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, चक्कर क्या है? अरे उम्र के भी तो कुछ फायदे होते हैं अपने। अरे सारी उम्र जगदम्बे ने हमारा खून पिया, ये देखो, ये मेरे गाल देख लो कैसे कमजोर हो गए, देख लो, ये देखो। ओहो, बहुत कमजोर हो गए हो, गाल देखो। शर्म तो नहीं आ रही होगी झूठ बोल के आपको नाना जी? इस घर में अगर सबसे ज्यादा कोई मजे ले रहा है ना, ऐश कर रहा है, वो आप कर रहे हो। अरे बेटा, इस खुशी के पीछे बरसों का दर्द छिपा है। अब देखो, चैरिटी के नाम पे और ब्लड डोनेशन के लिए पूरे परिवार को लाइन में खड़ा कर देती है, ब्लड दो ब्लड दो। अरे कोई जबरदस्ती है? अरे हमारा ब्लड है, उसके ऊपर हमारा अधिकार है, हम दें या ना दें। बात तो सही कर रहे हो नाना जी आप, मैं भी यही सोच रहा था भाई, जिंदगी हमारी है तो जिंदगी में फैसले लेने का हक भी तो हमारा होना चाहिए नाना जी। नानी जी ने तो सरेआम ना हमारे साथ जबरदस्ती कर रखी है। अरे चिंटू बेटा, इस जबरदस्ती से तो पूरा परिवार निकल चुका, तुम्हें क्या परेशानी है? आप नहीं समझोगे। कोई परेशानी नहीं है? क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अरे चिंटू बेटा, ये इम्तिहान तो हम पार कर चुके हैं। अरे उमर ने हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दिया, अब तुम देखो कि तुम इस मुसीबत से कैसे बाहर आओगे। वो छोड़ो, मैं देखो। मैं सोच रहा हूँ कैसे बाहर आऊंगा, इससे बचने के लिए क्या करूं। अच्छा है, ये तेरा खून, ये मेरा खून, देख हम दोनों का खून मिला दिया हमने, अब बता इसमें से तेरा खून कौन सा है और मेरा खून कौन सा है। अरे जब बनाने वाले ने फर्क नहीं करा तो मैं और तू कौन होते हैं फर्क करने वाले।
आए। महान जी क्या कर रहे हो आप? अमिताभ बच्चन से थोड़ा कम और नाना पाटेकर से थोड़ा सा ज्यादा। सासू माँ, हमारी एक्टिंग आपको कैसी लगी? महान जमाई जी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तेरा खून मेरा खून। अरे रहने दो तुम। महान बेटा, एक्टिंग एक्टिंग छोड़ो, ये बताओ कि तुम ब्लड डोनेशन कैंप गए थे कि नहीं? जी मैं? मैया देखिए हमसे हो गया इस बार। शाबाश बेटा, तुम ही से पूछ रहे हैं, बोलो बेटा। हाँ नानी जी, ब्लड डोनेशन तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये देखिए। वाह, आपकी बार तुमने अपना जैसा नाम है वैसा ही काम किया। अरे तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी नानी जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं मैं तो कैंप से घर तक पैदल चलकर आया हूँ और घर घर पंपलेट भी बांटता आया कि रक्तदान महादान है। नानी जी मुझमें तो सुपरमैन का खून है। नानी जी मुझमें भी औलाद का। महान जी मैं देखिए, मैं देखिए। महान जी आप ठीक तो है ना? हाँ लाली जी। महान बेटा, अपनी हीरोपंती के चक्कर में तुमने सबको डरा दिया। भाई ब्लड डोनेशन करने के बाद बिस्किट और जूस लेना चाहिए, तुम क्या सुपरमैन हो? मान जी। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, जरा सी कमजोरी हो गई है, इनको फटाफट जूस और बिस्किट खिला दो। ये। अरे मैंने कितना इन लोगों को समझाया लेकिन बड़ों की बातों को कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, पन्ना जी तुम तो रहने ही दो, अपने दिन भूल गए? पहली बार जब ब्लड डोनेशन करके आए थे घर का रास्ता ही भूल गए? अरे हम तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। और दूसरी बार वो पता नहीं बनवारी लाल बड़ी मुश्किल से उनको कंधे पुरानी बातें खोल रही हो। नानी जी बहुत मजा आ रहा है, एक आधा किस्सा और सुना दो नाना जी का। ये मेरे को लग रहा है कि ये अभी से नहीं पहले से लापरवाह रहे हैं। बहुत मजे आ गए, सुनाओ एक किस्सा और सुनाओ नाना जी का। बहुत मजे आते तुम्हें इन चीजों में है? ओहो चिंटू बेटा मजे बाद में लेना, अभी जल्दी जाओ ब्लड डोनेट करो, कैंप बंद हो जाएगा। जा ही तो रहा था, आप सब लोगों ने बातों में लगा लिया मुझे। कमाल करते हो साड़ू भाई, कब से टाल रहे हो आप? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो ना सबको। कोई बीमारी आ रही हो तो? बीमार तो आप हो, पड़े हो यहाँ पे, जूस क्यों नहीं पी लेते? बस महान बेटा ज्यादा मत बोलो, और चिंटू बेटा तुम महान जैसी बेवकूफी मत करना। ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद जूस पी लेना और बिस्किट खा लेना, ठीक है? अच्छा चल। जय हो नानी जी की, जय हो। खून देने की गलती जिंदगी में ना करो कभी। सरिता बता रही थी कि तुम लोगों ने वॉलंटियर्स की बहुत मदद की, भाई हमें तो बहुत नाज है अपनी बच्चियों पर। अरे नानी नाज तो उन लोगों पर होना चाहिए जो वहाँ ब्लड डोनेट करने आए थे। हाँ नानी हमने तो वहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। चिंटू नजर नहीं आ रहा है। अरे नाना हम भी वेट कर रहे थे कैंप में उनका, कह के तो गए थे आएंगे पर पता नहीं कहाँ रह गए। अरे तो फोन करके देखो बेटा। हाँ नानी। नानी जी मैंने भी फोन किया था लेकिन साड़ू भाई है कि अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए। स्विच ऑफ? हाँ नानी जी। मैया हमें तो बहुत चिंता हो रही है चिंटू जमाई जी की, वो तो कब से गए घर से। चिंटू को क्या हो गया है? शायद चिंटू जी होंगे, हम अभी देख के आए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। चिंटू जी आप कहाँ रह गए थे? चिंटू जी हम कब से आपका वेट कर रहे थे। चिंटू जी सुंदर लग रही हो, आपने शराब पी रखी है? शराब पिलाई है ऐसे। संभल कर चिंटू, कहाँ गए थे तुम, कहाँ से आ रहे हो, जवाब दो। इसका दोस्त है ना, इसका बनारसी लाल, चिकन जी में डाल के पिलाई उसने।
और तुमने पी ली। चिंटू तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी हालत में शक्तिशाली निवास में घुसने की? अरे बताया तो इसका दोस्त है, उसके साथ रोज बैठता है ये ऐसे पिलाती ग्लास में डाल के उसने दोस्त ने। बड़े राज चिंता मत करो मैं नहीं गिरूंगा। देखा नानी जी आपने कैसे नशे की आड़ में साड़ू भाई अपने मन की भड़ास निकाल लें, बड़े लाल और मुझ में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। बड़े लाल जी मालकिन सॉरी, यही दिन देखना था हमें कि हमारा कोई दामाद नशे में धुत आए। चिंटी जी बकवास मत करो, ले जाओ इसको हमारी नजरों के सामने से। हमारे सामने तब आना जब तुम खड़े होने के लायक रहोगे। बहुत नशे में। जीजू आप रहने दीजिए, इन्हें हम लेकर जाते। चलिए आइए चलिए चलिए। अजब गजब घर जमाई। आराम से। अब कल तक के लिए तो गए चिंटू जमाई जी, नशा जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा होगा इनके लिए, बस आप इनका ध्यान रखना। डॉली जी वो दोस्तों ने पिलाई। चुप करिए आप, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आज ही के दिन आपको ये सब करना था, जिस दिन आपको ब्लड डोनेट करने जाना था। शराब पीने के बाद तो आप ब्लड डोनेट भी नहीं कर पाएंगे चिंटू जी। एक ही दिन की तो बात थी, आप कल अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे क्या? और दोस्त क्या, ये ऐसे कैसे दोस्त, शराब वराब छी, ऐसे दोस्त तो ना होना ही अच्छा है। पर नानी जी को आपने कितना दुख पहुंचाया कुछ अंदाजा है आपको? ये उम्मीद नहीं थी चिंटू जी आपसे। आधी बोतल पिए एक पौवा और लेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, वरना जब से ब्लड कैंप का जिक्र हुआ है घर में तभी से साड़ू भाई कैंप जाने की बात को टालते आ रहे हैं। मुझे तो लगता है नानी जी कि साड़ू भाई को कोई भयंकर बीमारी है, वरना इस तरह से भागते रहने का क्या मतलब है, आप ही बताइए नाना जी। हाँ जगदम्बे, देखो रक्तदान से वही भागता है जिसे कोई जानलेवा बीमारी हो। शुभ शुभ बोलिए बाबूजी, हमारे कुंज बिहारी चिंटू जमाई जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे महान जी तो सबसे पहले कैंप गए थे, उन्होंने तो कोई बहाना भी नहीं बनाया। अरे लॉली जी बहाने तो वो बनाते हैं जिन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। और नानी जी साड़ू भाई कोई ना कोई बात हम सबसे जरूर छुपा रहे हैं, और वैसे भी आपको तो पता ही है कि कितना झूठ छुपा के रखा है उन्होंने अपने मन में, और ये एक मामूली सा झूठ बनाना उनके लिए कौन सी मुश्किल बात है। पता नहीं और कितने राज छुपा के रखे हैं साड़ू भाई ने। और नानी जी आप कितना स्नेह और विश्वास करती हैं उन पर, और वो आपके जमाई। भले ही वो हमारा जमाई हो लेकिन आज हम उसके हर राज का पर्दाफाश करेंगे। अभी खबर लेते हैं उस चिंटू की। लेकिन भैया अब आएगा असली मजा। हाँ जी, इस समय आप हीरोपंती के हीरो से कम और एक विलेन के विलेन से ज्यादा लग रहे हो। लॉली जी इस चिंटू चौटाला को सबक सिखाने के लिए तो मैं विलेन बनने को भी तैयार हूँ। बेस्ट है। ये लीजिए ये आखिरी है, इसके बाद नहीं पीऊंगा, बहुत नशा हो रहा है मेरे को, बहुत शराब पिला रहे हो यार। आपसे हमें कोई बात ही नहीं करनी है चिंटू जी। पानी ज्यादा डाल दिया इसमें तो। ये क्या कर रही हो? आपसे मतलब क्या कर रही हो? ओए डॉली जी
कितनी देर से पूछ रहा हूँ आपसे क्या कर रही हो क्या कर रही हो, समझ में नहीं आ रही है क्या बात? अभी गिर जाती ना तो दांत सारे बाहर आ जाते आपके। और अगर हम ऐसा नहीं करते ना चिंटू जी, तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे चिंटू जी ने शराब पी नहीं है? ओ बेटी की जान, वैसे चिंटू जी अगर आपने शराब पी नहीं थी तो ये सब ड्रामा क्यों किया आपने? क्योंकि डॉली जी वो ब्लड कैंप में नहीं जाना था मुझे। ओ, और हम पूछ सकते हैं क्यों? क्यों क्या? अब जरूरी हर बात बतानी डॉली जी। अब नानी जी तो जबरदस्ती करती रहती हैं। वो सुबह से कह रही हैं कि वहां चले जाओ, कैंप में चले जाओ, वहां पे जाके खून दे आओ, खून दे आओ। ये डॉली जी देखो, सच बात ये है कि बोलिए, चिंटू चटाला को सुई से डर लगता है। क्या? हाँ, सुई से? हाँ। डॉली जी लेकिन ये बात ना आप किसी को बताना मत, वरना ना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बचपन से लेकर आज तक ना चिंटू चटाला सिर्फ सुई से डरता है डॉक्टर वाली। नानी जी चाहती है कि हम सारे वही काम करें जो वो कहती हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा सारे काम। अब उसकी कोई जरूरत भी नहीं है चिंटू बेटा। नानी, नानी जी की जय हो। अजब गजब घर जमाई। नाना जी, नानी जी आपको कुछ बता के गई है क्या? बेटा मुझे कुछ बता के नहीं गई है, बस मेरे सामने तो वो बाहर गई है और बहुत गुस्से में थी। अरे नाना, ये सब चिंटू जी की वजह से हो रहा है। कितना दुख पहुंचाया आपने नानी जी को, पता है आपको? ओ आ गए, आ गए। अरे चॉकलेट पसंद है तुम्हें? ये तुम्हारे लिए। और तुम्हें पसंद है? नहीं, फिर क्या पसंद है? नानी जी की जय हो। कहाँ रह गई थी नानी जी आप? और ये बच्चियां चॉकलेट क्या है ये सब? बेटा हम तुमको जिंदगी के असली हीरो से मिलवाना चाहते थे। इनसे मिलो, ये है सोनी और ये है मोनी। इन दोनों बच्चियों को थैलेसीमिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर महीने खून की जरूरत होती है। चिंटू बेटा तुम तो छोटी सी सुई की डर से भाग रहे थे, लेकिन बेटा ये बच्चियां हर महीने इस दर्द को झेलती हैं। और इन बहादुर बच्चियों को कितनी दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ती है। बेटा हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं, हम तो बस तुम्हें सिर्फ जिंदगी की सच्चाई से मिलवाना चाहते थे। नानी जी मैं मिल लिया अपनी जिंदगी की सच्चाई से। आजा हीरो, आजा। नानी जी मैं अभी के अभी ना तुरंत अपना रक्तदान करने जाऊंगा कैंप में, अपने इन छोटे छोटे हीरोज के लिए। शाबाश बेटा। हंस दे। शाबाश। अबे क्या चेक कर रहा तू? डॉक्टर है क्या? खून दे के आया वो? हाँ, और दबा लो, दर्द नहीं होता मैं। अरे नहीं नहीं नाना जी, वैसे आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, और डर गए एक छोटी सी सुई से। अरे साड़ू भाई, अरे कोई महान जैसा महान नहीं हो सकता। कितनी सही बात कही है इन्होंने, है ना? बहुत सही बात की है आपने साडू भाई। ये वही महान है जो वहाँ पे महान की तरह ना एक ढेर हो गए थे, सारे घर वालों ने बिस्तर पे लिटाया है, और दोबारा से जगाने में पता है 2 लीटर जूस की बोतल लगी थी। ऐसे काम आप जैसा कोई महान आदमी कर सकता है, महान साडू भाई? वो, वो, वो। अरे वो तो बिदरा था, स्लिप हो गया था मैं। बड़े कह लगाए जा रहे, इसका मतलब सब ठीक ही रहा? क्यों चिंटू, कैसा रहा? बढ़िया रहा नानी जी, ये उन्होंने पर्ची दी है। बहुत बढ़िया लग रहा है नानी जी आज, और बहुत बढ़िया लगा ये जानकर नानी जी कि मेरा खून किसके काम आएगा। वो तो है। अरे वाह चिंटू बेटा, चिंटू पता है तुम्हें तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उसका मतलब जानते हो चिंटू बेटा? तुम एक यूनिवर्सल डोनर हो।
तुम किसी भी इंसान को अपना रक्तदान कर सकते हो। सही है। तो नंदलाल की कितनी बड़ी कृपा है तुम पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे किसी जान पहचान वाले को अगर खून की जरूरत पड़े तो तुम बड़ा काम आओगे। मैं लेके चलूंगा। मैं? हाँ। तो बेटे की जान। हाँ। आजा आप गजब।